पा रहे थे। तो हमने एक प्रॉपर्टी है वेरिएबल चेंज वाली देखी थी, एक प्रॉपर्टी है ए से बी इंटीग्रेशन वाली देखी थी, और एक प्रॉपर्टी हमने ये देखी थी कि हम पीस वाइज के हिसाब से इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो आज हम इसी के आगे पढ़ेंगे, कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे और इन्हीं का यूज़ करेंगे। तो पहले तो हम एक चीज़ समझते हैं कि डीआई में होता क्या है कि नहीं। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डीआई का यूज़ हो जाता है, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट फॉर डीआई। डीआई का ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब ज्योमेट्रिकली आप डीआई को कैसे देखते हैं। जैसे अगर आपसे कहा गया कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स आपको सॉल्व करना है, तो होता क्या है कि ये जो ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, ये जो है वो क्या देता है कि ये देता है सम से बेटर एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स इन बिटवीन एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। मतलब एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी के बीच में अगर आप फंक्शन का एरिया निकालें और उस एरिया का एल्जेब्रिक सम लें। एल्जेब्रिक सम से मतलब अगर निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव लो, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव लो, और उस पूरे सम को आप कैलकुलेट करेंगे तो ए से बी के बीच का एरिया दे देगा, वही आपको सम दे देगा। अब एल्जेब्रिक सम से मेरा मतलब क्या है, जैसे सपोज ये एक्स एक्सिस है, सही है ना, आपने एक ग्राफ लिया है ना, तो वो ग्राफ कुछ आपका ऐसे बन रहा है ये, और एक आपने एक्स इक्वल टू ए से बी में ग्राफ लिया हुआ ऐसे बन रहा है ये, सही है ना, ए से बी वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो इसमें क्या होगा, जो आप एरिया निकालेंगे वो पूरी वैल्यू चूंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव आएगा, बट इसमें आप क्या करेंगे जब ए से बी की बीच की बात करेंगे तो बीच में एक पॉइंट सी आएगा जिससे पहले फंक्शन निगेटिव है और उसके बाद फंक्शन पॉजिटिव है। तो जब यहाँ एरिया वैल्यू निकालेंगे तो वो माइनस ए वन आएगा, और यहाँ जब आप एरिया वैल्यू निकालेंगे तो वो ए टू आएगा जो कि पॉजिटिव आएगा। तो अगर हम ए से बी एफ एक्स डी एक्स की बात करें तो पहले वाले में वो होगा माइनस ए वन प्लस ए टू जो भी एल्जेब्रिक एरिया आ रहा है, और दूसरे वाले में ये जो ए थ्री आ रहा होगा वो ए थ्री होगा। ये चीज है एल्जेब्रिक सम का मतलब, क्लियर। तो कई बार हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को इसी कॉन्सेप्ट पर, एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया पर ही कैलकुलेट कर लेते हैं, समझ में आया। तो अब यार ऑब्वियसली यार हर जगह डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया फॉर्म में लेने का फायदा हमें तब है जब हम कहीं ट्रेंगल बना दें, जब हम कहीं क्या बना दें, ट्रेंगल बना दें, या कहीं स्क्वायर बना दें, या कहीं पे रेक्टेंगल बना दें, या कहीं पे रॉम्बस बना दें, यानी हम एक ऐसी ज्योमेट्री एरिया वाइज ले रहे हो जिसका एरिया हम निकालना जानते हो, तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, और इसका कई जगह यूज़ आता है। जैसे क्वेश्चन देखिए, हमसे कहा गया कि माइनस वन से फाइव हमें मॉड एक्स डी एक्स डिस्कस करना है, सही है ना। अब यार हम मॉड ओपन करें, दो पार्ट में इसको ब्रेक करें, है कि नहीं भाई। हम पहले माइनस वन से जीरो जाएँ तो माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिखें, फिर हम जीरो से फाइव जाएं और एक्स इंटू डी एक्स लिखें, और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू लिख के सॉल्व करें, है कि नहीं। या फिर अगर हम रफली काम करें तो हम तुरंत इसमें क्या बनाएं, मॉड एक्स का ग्राफ हमें पता ही है, एक ग्राफ हमने ये बनाया फाइव तक, एक माइनस वन तक, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई वन, ये वाली लेंथ कितनी हो गई वन, ये हो गई फाइव, ये हो गई फाइव, तो इसका एरिया कितना आ गया वन बाई टू, इसका एरिया कितना आ गया बोलो भाई 25/2, तो टोटल एरिया कितना आ गया, अरे बताओ भाई 26/2, यानी आंसर कितना आ गया 13, ये आंसर हमने लिख दिया। क्या है मेरी बात समझ में आई। और इसका कई जगह बहुत ही यूज होता है, और कई जगह क्वेश्चन इस पे पूछ लिए जाते हैं। क्या ये बात कॉन्सेप्ट वाइज समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे ये बताओ। यस सर। जैसे अब आपसे पूछा गया माइनस वन से टू मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस वन, बताओ। जैसे आपसे पूछा गया कि वन से सॉरी माइनस वन से फाइव, सही है ना, एफ एक्स डी एक्स, जहाँ पे आपसे कहा गया एफ एक्स इज इक्वस टू मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस टू मॉड एक्स
मॉड एक्स प्लस टू, ये बताओ। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई, नहीं आ रहा क्या यस सर आ गया। भाई? वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस वन। क्या हम इसका ग्राफ बना लेंगे? बोलो। अरे बोलो यार भाई, वाई इक्वल टू मॉड एक्स बनाएंगे, मॉड एक्स माइनस वन, माइनस वन ऊपर ले जाएंगे, तो क्या इसका रफली ग्राफ ऐसे बनता है? देखो जरा सब लोग, माइनस वन वन, और हमें कहाँ तक जाना है इसमें? टू तक। अरे भाई बोलो, तो अगर हम इसका टोटल एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो क्या हम इसको ब्रेक करेंगे इंटीग्रेशन से, या सीधा एरिया वाले मेथड से कैलकुलेट कर देंगे? क्या कहते हो? तो भाई इस दोनों वाले कर पोर्शन लेंगे। का एरिया कितना आ गया? ये लेंथ आ गई टू, ये लेंथ आ गई वन, तो यस सर इस वन हो गया ये तो सीधे सीधे। वन, तो वन और टू, तो ए टू कितना आ जाएगा? टू बाई टू वन आ जाएगा। तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा? टू आ वन जाएगा। प्लस वन टू, तो बस ये आंसर आ गया। देखा क्या? क्या यस सर पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया? नहीं आया? आ गया होगा मेरे हिसाब से। गुड, आया सर। सेकंड वाले का आंसर बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट आ जाते हैं, और आप डायरेक्ट उनको आराम से सॉल्व कर लेंगे ग्राफ बना के, उसमें ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, तो फालतू तो उसको ब्रेक करने से बेटर। अच्छा याद रखिएगा, ग्राफ से हम एरिया और मतलब एरिया निकाल के डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट तभी लगा सकते हैं जब ऐसा कोई एरिया बन रहा हो जो हम जानते हो, लाइक ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, वरना तो हमें इंटीग्रेशन ही लगाना पड़ेगा, फिर कोई मतलब नहीं है। अच्छा अब ये मिनिमम वाली सिचुएशन हम डील कर लेते हैं ना ग्राफ में। बोलिए, तीनों ग्राफ एक यस प्लेटफॉर्म पे सर बनाएंगे और मिनिमम निकाल लेंगे, मिनिमम की ज्योमेट्री बना लेंगे, सही है ना, और उसका एरिया निकाल लेंगे। तो मॉड एक्स का ग्राफ हम एक लिखेंगे, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू का ग्राफ लिखेंगे, और मॉड ऑफ एक्स प्लस टू का ग्राफ लिखेंगे। तो 0, 2, -2, तो अभी तीनों ग्राफ एक प्लेटफॉर्म पे बना दो, और मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम के लिए नीचे वाला ये रीजन आ जाता है मेरे हिसाब से। क्या कहते हो? और हमें इसको कहाँ से कहाँ सॉल्व करना है, बस ये देख लो, कहाँ से कहाँ सॉल्व करना है? माइनस वन से लेके कहाँ तक जाना है भाई? फाइव तक। देख लो, कोई कन्फ्यूज़न आ रहा हो तो बताओ। तो फाइव इस वाली लाइन पे रखेंगे, और ये वाली लाइन क्या है? एक्स माइनस टू, तो ये वैल्यू शायद थ्री आ जाएगी, ये गैप भी थ्री हो जाएगा। इस वाले ट्रायंगल में ये गैप टू है, ये गैप वन हो गया, और ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, तो इसका एरिया कितना आया? वन इंटू वन बाई टू। क्या ये एरिया समझ रहे हो कि नहीं सब लोग? फिर इसका एरिया टोटल निकाल लो, और फिर इसका एरिया टोटल निकाल लो, और सॉल्व कर लो, देखो आंसर क्या आ रहा है। वन बाई टू सर आया ये फिर से इसका। समझा दीजिए। क्या चीज़? ग्राफ कैसे बना? हाँ सर ये ग्राफ में 5 तक ले जाएंगे पूरा। हाँ 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 फिर आगे। अच्छा सर ये ग्राफ की नहीं समझ में है। ग्राफ ही नहीं समझे यार, एक्चुअल में ग्राफ मैंने बताया था ना, तीन फंक्शन जब हम मिनिमम मैक्सिमम बनाते हैं तो तीनों फंक्शन को एक ही प्लेटफॉर्म पे बना के, मिनिमम मतलब जो सबसे नीचे वाला पोर्शन आ रहा हो वो ले लो, मैक्सिमम मतलब जो सबसे ऊपर वाला आ रहा हो वो ले लो, है कि नहीं? जैसे तीन ग्राफ हैं, एक तो मॉड एक्स है आपके सामने, वो बना दिया आपने, फिर आपको मॉड एक्स माइनस टू बनाना था, वो बना दिया आपने, फिर आपको मॉड एक्स प्लस टू बनाना था, वो बना दिया आपने। आप समझे कि नहीं? हाँ सर अभी समझ। आप तीनों ग्राफ में मिनिमम लेना है, तो मिनिमम कहाँ आएगा? नीचे वाला जो पोर्शन आ रहा है सबके ग्राफ का, राइट साइड से, लेफ्ट या राइट कहीं से भी चलना शुरू करो, तीनों में जो नीचे पोर्शन आ रहा है सबसे, वही लेते चलेगा, वही मिनिमम हो गया। दिखा सबको कि नहीं यार? और हमें इस पूरी डीलिंग को कहाँ से कहाँ लेना है? माइनस वन से फाइव लेना है, और यस ये सर वाली लाइन हमें दिख रही है वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू है, तो फाइव रखोगे थ्री आ जाएगा, ये भी थ्री हो गया, ये गैप कितना हो गया? टू, और ये हाइट कितनी आ रही है? वन। सर ये -2 से 5 वाला कौन सा बता दिया था कौन सा सर? -1 से 5 जो ले जाना है। एरिया ना? यस सर तो अब एरिया निकालो ट्रायंगल का, एक ये ट्रायंगल बनेगा, एक ये ट्रायंगल बनेगा, एक ये ट्रायंगल बनेगा, इसका बेस थ्री, हाइट थ्री, एरिया 9/2, इसका बेस टू, हाइट वन, एरिया वन, इसका बेस वन, हाइट वन, एरिया 1/2, आंसर कितना आया? 6। अरे हाँ या ना, यस सर सोच लो आराम से, कोई दिक्कत हो तो यस बता सर दो। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो? नहीं तो बताओ, सर मेरे हिसाब से पहले सब। जो पहला वाला क्वेश्चन था सर उसमें x इज इक्वल टू 2 पे सर वैल्यू तो 1 आ रही।
टू पे, अरे हाँ यार सॉरी, ओह तो ये वैल्यू 1 ही आएगी। अरे हाँ मेरा ही कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया क्या मैंने। अरे तो ये भी 1 ही आ रहा है ना फिर तो। यस एरिया सर, निकालो, 1 × 1/2 भी, यस सर, 1 × 1/2 हाफ आ रहा है यार फिर तो। ये 1 + 1/2 3/2 आ रहा है क्या, चेक करो। यस सर, यस सर, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, कैलकुलेशन एरर थी छोटी सी, हो जाएगा। देखो भाई 3/2 आ रहा है। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसी ज्योमेट्री अगर हम बना पा रहे हैं तो उनका एरिया निकाल ले रहे हैं, ओवरऑल बस ये कॉन्सेप्ट है। सही है, चलिए आइए जरा और थोड़े से टफ क्वेश्चन। और जैसे अब क्वेश्चन पूछा गया 0 से 10 बॉक्स ऑफ 10 इनवर्स x, बॉक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं मैंने बताया है। और आइए 0 से 2π, ठीक है ना, बॉक्स ऑफ 2 sin x, इसको ब्रेक करके भी कर सकते हैं बट एरिया से करोगे तो जल्दी कर ले जाओगे। और आइए, मतलब ये सब पीस वाइज, ऑब्वियसली पीस वाइज ब्रेक होके भी क्वेश्चन हो सकते हैं बट हम एरिया से करेंगे तो हम जल्दी कर पाएंगे, बस ये है। जैसे कि साइन, मान लो जैसे हमसे कहा गया 0 से π या 0 से π sin inverse of sin x dx, ये सॉल्व करना है हमें। जैसे हमसे कहा गया 0 से π/2 cos inverse of cos x dx, सॉल्व करो जरा चारों ग्राफ से जल्दी से। मतलब सिर्फ ग्राफ रफली बना लेना है और आपको एरिया निकाल लेना है, सिर्फ ग्राफ रफली बना लेना है, एरिया निकाल लेना है। तो अब ग्राफ तो आप आराम से बना ही लेते हैं, बस उसके बाद एरिया निकालना है आपको। इन दोनों क्वेश्चन में बॉक्स का मतलब GIF से, बस कॉन्सेप्ट इतना सा है, एरिया निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मतलब पीस वाइज ब्रेक करके भी आप सोच सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली सारे फंक्शन पीस वाइज ब्रेक हो रहे हैं। याद है पहला वाला क्वेश्चन हुआ 10 इनवर्स x का ग्राफ हमें सिर्फ कहाँ से कहाँ देखना है, पॉजिटिव साइड में, तो ये होता है रफली π/2 तक। उससे पहले ही कहीं क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा, तो y=1 वाली लाइन खींच देंगे। तो ये कहाँ 1 हो रहा होगा, 10 1 पे, और 10 पर इसकी कुछ तो वैल्यू आ ही रही होगी बट उससे हमें मतलब नहीं। तो ऑब्वियसली जब बॉक्स लगाएंगे तो दो लाइनें खींचेंगी, 0 से 10 1 तक ये 0 हो जाएगा और 10 1 के बाद ये 1 हो जाएगा। तो अगर हम एरिया देखेंगे तो सिर्फ हमें ये वाला एरिया मिलेगा, हाँ है ना। तो ये तो एक रेक्टेंगल मिल रहा है तो सीधा इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 - 10 1 और साथ में (1)। देख लो आराम से, कोई दिक्कत आ रही हो, ये वाला एरिया तो 0 ही हो जाएगा। अरे हाँ भाई, नहीं समझे क्या, अरे बोलो भाई। समझ गया सर, गुड, ऐसे ही बॉक्स ऑफ 2 sin x कर लोगे या करूँ मैं। करो, करके बताओ जल्दी से। बॉक्स ऑफ 2 sin x, एल्जेब्रिक सम एरिया का लेते हैं, प्लस वाला प्लस में, माइनस वाला माइनस में। एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया लेते हैं, प्लस वाला प्लस में, माइनस वाला माइनस में। तो एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्लस वाला एरिया प्लस में लेंगे, माइनस वाला एरिया माइनस में लेंगे और अपना आंसर बताएंगे। तो अगर ये 1 और 2 वाली लाइन आप खींचोगे, -1 और -2 वाली लाइन आप खींचोगे तो जो ग्राफ बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक में शायद 0 वाली लाइन आएगी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक में ये वाली लाइन आएगी, फिर एक डॉट आएगा, फिर ये वाली लाइन आएगी, फिर ये वाली लाइन आएगी, इसके बाद ये वाली लाइन आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक में, फिर ये वाली लाइन आएगी यहाँ तक, फिर ये आएगा यहाँ तक, और फिर यहाँ एक डॉट आएगा, ऐसा आ रहा है। देख लो आराम से, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, अरे हाँ या ना जवाब दो। चलो एरिया बताओ। हाँ भाई, तो ये तो 0 हो गया, ये वाला पॉइंट आ रहा है π/6, ये आ रहा है π/2, ये आ रहा है 5π/6, देखते जाना। ये वाला पॉइंट आ रहा है पाई, फिर ये वाला पॉइंट आ रहा है शायद 7π/6, फिर
फिर ये वाला पॉइंट आ रहा है शायद 11π/6, और ये वाला पॉइंट आ रहा है 2π। हाँ है ना, तो ये गैप पाई सर बाई सिक्स का है, ये गैप भी पाई बाई सिक्स का है। हाँ है ना, जवाब देते जाना भाई, बोलो। तो ये दोनों एरिया तो पाई बाई सिक्स। अच्छा ही, ये गैप कितने का है? पाई बाई सिक्स से पाई बाई टू का, पाई बाई थ्री है क्या ये गैप? बोलो यार। यस सर अच्छा ये गैप भी कितना है? बाय बाय थ्री सर ठीक है। अच्छा ये वाला गैप कितना है नीचे, ये वाला पूरा 11π/6 से 7π/6 के बीच में कितना गैप है? बोलो, 4π और 2π 2π/3 का गैप है, देख लो सब लोग। अरे हाँ या ना, यस सर तो टोटल एरिया का सम बताओ। अच्छा हाइट, इसकी हाइट 2 है और इसकी हाइट 1 है, सही है। तो टोटल पॉजिटिव एरिया निकाल लो, टोटल नेगेटिव एरिया निकाल लो, और फाइनल आंसर ऐड करके बता दो। तो क्या आंसर 0 आ रहा है, बस ये बताओ। नहीं, 0 आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव वाला एरिया ज़्यादा है ना। गेटम में आएगा हाँ भाई, ये वाला एरिया आ गया पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री, तो ये पूरा 2π/3 हो गया, तो 2π/3 इंटू 1। हाँ या ना। अच्छा फिर ये अलजेब्रिक सम आ गया पाई बाई सिक्स इंटू 1 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। और ये वाला सम आ गया 2π/3 कितने टाइम्स, मतलब 2। टोटल ऐड कर दो, आंसर आ गया, देख लो सब लोग, फिर बताओ। तो 4π/3, पाई बाई थ्री, -5π/3 और -2π/3, तो क्या आंसर -π आ रहा है? चेक करो, मतलब सोच के बताओ, कोई डाउट आ रहा हो यस तो वो सर बताओ, मैं दोबारा भी समझा सकता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। देख लो एक बार एरिया आराम से, जूम करके देख लो, दिखा क्या कौन कौन से पोर्शन का एरिया लिया है। एक तो ये एरिया आएगा, एक ये वाले ग्राफ का एरिया आएगा, एक इस वाले ग्राफ का एरिया आएगा, एक इस वाले ग्राफ का एरिया आएगा, सही है ना भाई। ये वाला गैप 2π/3, 2π/3 इंटू 2, ये वाला गैप पाई बाई सिक्स इंटू 1, पाई बाई सिक्स इंटू 1, समझ रहे हो कि नहीं भाई? अरे बोलो समझ यार। रहे हैं सर और ये वाला 2π/3 इंटू 1, तो 2π/3 इंटू 1 ये एरिया हो गया। अरे बोलो, पाई बाई सिक्स इंटू 1, पाई बाई सिक्स इंटू 1 ये हो आपकी गया, आवाज क्लियर नहीं है सर और ये 2π/3 इंटू 2 आ रहा है। अभी भी नहीं आ रही क्या बेटा क्लियर? आ रहे है कि नहीं भाई? हम इतना इसको पीस वाइज ब्रेक करके लिखे हैं ग्राफ बनाने में, उससे क्या फायदा है? हम सीधा एरिया नहीं निकाल लें, वो ज्यादा आराम है, क्योंकि सब रेक्टेंगल बनते जा रहे हैं, तो जो एक्स एक्सिस के ऊपर है वो प्लस में, जो एक्स एक्सिस के नीचे है वो माइनस में। और अलजेब्रिक सम हमें लेना होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालने में, बस ये काम करना था। अब समझ गए कि नहीं? मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे यस क्वेश्चन आ जाते हैं, बट याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट हम केवल तभी लगा पाएंगे जब ऐसी ज्योमेट्री बन रही हो जिसका एरिया हम डायरेक्ट जानते हैं, जस्ट लाइक ट्रेंगल, रेक्टेंगल। अदरवाइज हमेशा आंख मूंद के ये काम नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस सब सिचुएशंस में ये काम हम आसानी से कर पाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अदरवाइज तो हम ओपन ही करेंगे, अदरवाइज सर तो हम ओपन ही करेंगे, उसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। पीस वाइज तो है ही। और चलो बात हो गई पीस वाइज की, तो कुछ पीस वाइज के भी क्वेश्चन देख लो। जैसे मान लो आपसे कहा गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेन एक्स ग्रेटर देन 1 और x-3, ठीक है ना? या मैं ऐसे कह दूँ x³-3, चलो ठीक है ना, वेन एक्स लेस देन 1। अब आपसे कहा गया -1 से 2 एफ एक्स डी एक्स आपको सॉल्व करना है, क्या करोगे बताओ? अब ऑब्वियसली पहला कहाँ पर है फंक्शन ब्रेक हो रहा है, 1 पे। 1 से पहले उसकी अलग डेफिनेशन है, 1 के बाद उसकी अलग डेफिनेशन है, तो ऑब्वियसली एक इंटीग्रेशन हम -1 से 1 ले जाएंगे, तब तो हम x³-3 को इंटीग्रेट करेंगे, और एक इंटीग्रेशन हम 1 से 2 ले जाएंगे, तब तो हम x² को इंटीग्रेट करेंगे। ये है मतलब कि आप समझे कि नहीं, ये बताओ। अरे हाँ या ना। यस सर बस अब आराम से ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर लें, अभी इंटीग्रेशन तो आराम से सॉल्व होता है यार। यस सर -3x लिमिट रख देंगे -1 से 1, और ये आ जाएगा x³/3 लिमिट रख देंगे 1 से 2, आराम से इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, आंसर लिख देंगे। बताओ क्या आ रहा है आंसर, जल्दी से सॉल्व करके।
तो ये है, जहां पे जब पीस वाइज की जरूरत पड़ेगी वहां पीस वाइज लगा देंगे, वो दिक्कत नहीं है हमें, जहां पे नहीं पड़ेगी वहां नहीं लगाएंगे भाई, क्या कहते हो? जहां पे पीस वाइज की जरूरत पड़ेगी वहां पे तो हमको पीस वाइज लगाना पड़ेगा ना। बोलो यार, समझ रहे होगे मेरी बात को, मैं जो समझाना यस चाह रहा हूँ। हाँ सर, समझ रहा हूँ सर। हाँ, बस वो पीस वाइज लगा के आप सीधा सिंपलीफाई करके आंसर लिख लेंगे, ये है तरीका सिंपल, ज़्यादा उसमें दिमाग लगाना नहीं है, आंसर इसके बाद सीधा सॉल्व करके लिख देना है। बोलिए आंसर क्या आ रहा है। -4 आ रहा। देखिए भाई, आंसर -4 बता रहे हैं। अगर कोई दिक्कत ना आ रही हो तो ये थोड़ा सा ग्राफ का यूज़ है, समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ पीस वाइज और देखते हैं। जैसे हम पीस वाइज फंक्शंस को ब्रेक करने की आदत में आए, जैसे मान लो हमें सॉल्व करना है 0 से 3, ठीक है ना, मॉड ऑफ x² - 2 × dx, या और सेफ चलो x² - 4 × dx। अब भाई ऑब्वियसली आपके दिमाग में ग्राफ आएगा तुरंत, बट ग्राफ से ब्रेक करके भी तो आपको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा ना। अरे बोलो भाई, तो अब हम तुरंत क्या कहेंगे भाई, सर हमें मॉड ओपन करना है, तो जब x² 4 से बड़ा होगा तो x² - 4 लिखेंगे, और जब x² 4 से छोटा होगा तो 4 - x² लिखेंगे। तो ये काम आप कब करेंगे, जब x -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फाइनाइट होगा, और ये काम आप तब करेंगे जब x -2 से 2 होगा। तो अब ब्रेकिंग मिल गई कि नहीं, तो इसका मतलब 0 से 2 के बीच में 4 - x² आएगा, क्या कहते हो? बोलो भाई, और 2 से 3 के बीच में x² - 4 आएगा। सीधा पीस वाइज ब्रेक करके सॉल्व कर देंगे। क्या है, मेरी बात समझ पाए? नहीं, सर। यस सर। सॉल्व हो जाएगा, देख लीजिए। कोई कन्फ्यूज़न आ रहा हो तो बताओ, कोई कन्फ्यूज़न आ रहा हो तो बोलो भाई। तो पीस वाइज ब्रेक करना, जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आएगी वहाँ आप आराम से इसको ब्रेक करके सॉल्व कर लेंगे। कर लेंगे सब लोग कि नहीं? किसी को कोई कन्फ्यूज़न आ रहा है तो बोलो, आंसर बताओ लेकिन सॉल्व करके जल्दी से। इसके बाद सॉल्व करना है आपको 0 से 10 बॉक्स ऑफ x dx, फिर सॉल्व करना है 0 से 2 बॉक्स ऑफ x² × dx, फिर सॉल्व करना है 0 से 15, चलो हाँ 0 से 15 बॉक्स ऑफ √x × dx। चलो आप, जहाँ पे ये फंक्शन जो है वो GIF, इससे ऊपर वाले का आंसर बताओ, फिर ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बताओ। सब में GIF का यूज़ है। तो GIF फंक्शन वहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है जहाँ पे एक्स इंटीजर होता है, बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है। सर ऊपर वाले का आंसर 13 आ रहा है। 13 आ रहा है भाई, देखो सबका 13 आ रहा है, सबका आंसर 13 आ रहा है, या मैं सॉल्व करूं? सबका आंसर 13 आ रहा है या मैं सॉल्व करूं? जल्दी जल्दी, GIF मतलब वहाँ ब्रेक करना है जहाँ पे ये इंटीजर बने, यानी 1, 2, 3, 4, 5, इन सब पे ब्रेक होगा, कॉमन सेंस लगाना। ये x² कहाँ कहाँ इंटीजर बनेगा 0 से 2 के बीच में, √x कब कब इंटीजर बनेगा 0 से 15 के बीच में, और इसके बाद उसकी वैल्यू के हिसाब से सारा वैल्यू पुट करके ग्राफ बना देना। पहला वाला मैं सॉल्व करके बता दूं क्या? कॉमन सेंस लगाना, ज़्यादा नहीं करना है। जैसे 0 से 1 में 0 हो जाएगा, 1 से 2 में 1 हो जाएगा, ऐसे करते 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 9 से 10 में क्या होगा 9, तो इसका मतलब हर बार 1 1 1 आ रहा है, तो 1 + 2 + 3 से लेके कहाँ तक आ गया 9 तक, तो क्या आंसर 45 हो गया पहला? बोलो, सर देख लो आराम से, कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, आंसर इज 45। तो फर्स्ट तो एकदम आसान था, फर्स्ट समझ में आया कि नहीं? सेकंड वाला सोचो, फर्स्ट तो ओके हो गया, सेकंड वाला बताओ। x² पहला सबको समझ में आया?
सेकंड वाला सोचने का तरीका बताऊं क्या? सोचो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 4 होगी अगर एक्स 0 से 2 है तो। अरे हाँ है ना। सर तो अब बताओ 0 से 4 के बीच में इंटीजर कहाँ कहाँ होगा, 1 2 3 यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी। वेरी 1 √2 √3 गुड। तो 1 पे ब्रेक करेंगे, √2 पे ब्रेक करेंगे और थ्री पर √3 पे। बेटा नहीं समझे तो बस इन्हीं इन्हीं पॉइंट पे ब्रेक करना था आपको। अब तो मेरी बात समझ गए होगे यार, जहाँ तक मुझे लग रहा है। कहाँ कहाँ इंटीजर बन रहा है ये बात समझ पा रहे हो। ये बात कंटिन्यूटी के टाइम पे आपने सीखी थी। तो पहला ब्रेक कहाँ होगा, 0 से 1। अच्छा जब एक्स स्क्वायर 0 से 1 लोगे तो उसका बॉक्स क्या आ जाएगा, 1। जीरो हाँ 0। फिर जब एक्स को 1 से √2 लोगे तो एक्स स्क्वायर 1 से 2 होगा। फिर जब एक्स को √2 से √3 लोगे तो इसका बॉक्स क्या होगा, 2। दिख रहा है कि नहीं भाई। और जब इसको √3 से 2 लोगे तो बॉक्स क्या होगा, 3। देख लो सब लोग। अब सीधा आंसर लिखना है आपको। तो √2 -1, 2√3 -2√2, एंड 3 × 2 -3√3। तो क्या आंसर 5 -√2 -√3 है, चेक करो। और कॉन्सेप्ट सोचो, क्यों ब्रेक किया, डिसकंटिन्यूअस होने पे, ये समझ में आया सबको, हाँ या ना, बस ये बताओ। बस इतना ही काम आपको करना था। कुछ समझ गए कि नहीं। नहीं समझे अभी कॉन्सेप्ट क्या था। जहाँ समझ गया इंटीजर सर। बन रहा है वहाँ हम ब्रेक कर दे रहे हैं, जहाँ इंटीजर बन रहा है वहाँ हम ब्रेक कर दे रहे हैं। अब लास्ट वाला बताओ, 0 से 15। हाँ इसमें एक्स नहीं रूट एक्स को देखना है। तो अगर एक्स 0 से 15 है तो रूट एक्स कहाँ से कहाँ होगा, बस ये देखो और उसके हिसाब से ब्रेक करते चले जाओ। फिर रूट एक्स की वैल्यू 1 लेंगे, रूट एक्स की वैल्यू 2 लेंगे, रूट एक्स की वैल्यू 3 लेंगे। इसका मतलब एक्स इक्वल टू 1 पे ब्रेक होगा, एक्स इक्वल टू 4 पे ब्रेक होगा और एक्स इक्वल टू 9 पे9 पे ब्रेक होगा। अगर आप ये बात इतनी समझ पाए फ्लुएंसी में तो इसका मतलब आप इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे पहुंच रहे हैं, अदरवाइज नहीं पहुंच रहे हैं, ये समझ लीजिए। अगर आप इतनी तेजी से सारी बातें समझ पा रहे हैं जैसा मैं समझा रहा हूँ तो आप इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे अब आ चुके हैं, अदरवाइज अभी नहीं आए हैं। क्या हम इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे आ गए, बताओ भाई, यस सर आ गए। बताओ फिर आंसर जल्दी से क्या आ रहा है। तो पहला ब्रेक 1 पे किया, ये फील आया सबको क्यों किया। जी सर दूसरा ब्रेक 4 पे किया, अगला ब्रेक 9 पे किया और अगला ब्रेक तो 15 तक ख़त्म ही हो जाएगा। तो 4 -1 3, 9 -4 5 × 2 10। अरे बोलो भाई। और 3x, तो 15 -7 कितना हो जाएगा, 15 -9 6 सिक्स इंटू3 थ्री 18 18। तो क्या 31 आंसर है। यस सर यस सर बाकी लोग भी सोच के बताओ यार, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या हुआ आप लोग एकदम, बिल्कुल तुम लोग फिर से गायब हो गए पहुंच रहे सर पहुंच भाई। तुरंत रफली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को देखो। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करके थोड़ा आइडिया लें तो ये 2x-1 आ रहा है। ये दिखा, मैंने तुरंत डिफ्रेंशिएट करके आइडिया लिया, इसको 0 किया तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू हाफ आ रही है। यानी हाफ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये मिनिमम ले रहा है, और हाफ पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, शायद 1/4 आ रही है। देखो सर 1/4 हाफ ना, प्लस 3/4 आ थ्री रही है। बाई फोर आ रही सर ऐसा है कुछ। अच्छा 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है सर 1 और 2 पर वैल्यू कितनी आ रही है, सर 3 फ्री। इसका मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है ग्राफ की कि 0 पे 1 आ रहा है और हाफ पे मिनिमम आ रहा है, 1 पे भी 1 आएगा और ये कुछ ऐसा 3 तक जा रहा है। तो 0 से 2 के बीच में बेसिकली ये 3/4 से 3 के बीच में जा रहा है, ऐसा है, देख लो। अच्छा 1 कहाँ पे आ रहा है ये तो पता चल गया, 1 पे। तो
टू कहाँ पे आ रहा है बस ये पता कर लो। दिखा तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन टू कब होगा ये पता करो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन 0, यानी एक्स की वैल्यू 1 प्लस माइनस √5/2, क्योंकि हमें पॉजिटिव लेना है तो 1 प्लस √5/2 आ गया। यानी कि अब जो हमारे पास टोटल सिचुएशन आई वो क्या आ गई बोलो, अगर हम इस ग्राफ को रफली देखें तो टोटल सिचुएशन हमारे पास क्या आ गई कि भाई ये कुछ ऐसे गया और फिर ऐसे चला गया यहाँ सर, तक। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू सर 12 आ रही। हाँ 12 आ रही है, दिखा सबको। तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 3, और ये जहाँ 2 हो रहा है वो वाला पॉइंट कितना हो गया 1 प्लस √5/2 1 प्लस √5/2, सही है। और ये हो गया आपका 1, ये वन हो से वन गया प्लस आपका रूट फाइव बाई टू 2। अच्छा यहाँ से ये 0 हो गया, तो 0 से 1 में तो 0 ही हो गया, यस सर, बात ही खत्म। फिर 1 से √5/2 में वो ये हो गया सब 1, आया। 1 प्लस √5/2 यहाँ माइनस से वन 2 प्लस हो गया, माइनस वन प्लस देख लो, और यहाँ पे ये हो गया। तो अगर आप एरिया वाइज करना चाह रहे हो तो एक ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो और एक ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, और दोनों एरिया आपस में क्या कर दो, जोड़ दूंगा। बस खत्म आंसर। क्या कहते हो भाई? 5 माइनस √5/2 आएगा इसका एरिया। हाँ, √5 माइनस 1/2 × 1 पहला हो गया और दूसरा हो गया 2 माइनस 1 प्लस √5/2, साथ में 2 हो गया, ये वाली विड्थ 2 हो गई ना, देख लो आराम से। अब इसी को सॉल्व कर लो तो आंसर शायद 5 माइनस √5/2 आ जाता है। या अगर ब्रेक से करना चाहते तो पहले 0 से 1 में 0 लिख देते, फिर 1 से 1 प्लस √5/2 में 1 लिख देते, और फिर 1 प्लस √5/2 से 2 में 2 लिख देते। दिखा क्या, तब भी सेम सिचुएशन आ जाती। सर ऐसे ही किया था। चॉइस है आपकी, जो आपको दिख जाए, दोनों मेथड मैंने ओपन कर दिए, बट ये एनालिसिस पहले आपको सोचनी पड़ेगी, क्योंकि बॉक्स इफेक्ट्स बनाना है ना आपको, तो इफेक्ट्स के हिसाब से ग्राफ लगा के आपको वो एनालिसिस सोचनी पड़ेगी कि क्या करेंगे, कि क्या करना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा क्या करना है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो वो एनालिसिस तो आपको करनी पड़ेगी ना। मतलब जैसे मान लीजिए हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स जी एक्स सॉल्व करना है, ठीक है ना, या और स्पेसिफिक चलें एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स सॉल्व करना है, तो कई बार हमें इसको सॉल्व करने के लिए जी एक्स को टी मानना पड़ता है, हाँ या ना? तो जी डैश एक्स डी एक्स हमारा क्या हो जाता है, डी टी हो जाता है। अच्छा यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन भाई ये फंक्शन एफ ऑफ टी डी टी आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब भाई पहले हम एक तरीका करते हैं ना, पहले इस पूरे इंटीग्रेशन को इनडेफिनिट तरीके से सॉल्व करते हैं, फिर हम यहाँ पर टी की वैल्यू रख देते हैं और फिर एक्स के टर्म में आंसर निकालते हैं और फिर लिमिट रखते हैं। ये काम हम करते आ रहे थे कि नहीं ये बताओ, यही काम तो हम लगातार करते आ रहे हैं ना। बट अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन की लिमिट भी चेंज कर लेंगे, तो हमें बार बार सब्स्टिट्यूशन को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक्स और टी है, जब एक्स को बी लेंगे तो ये एफ ऑफ सॉरी जी ऑफ बी आ जाएगा, जब ए लेंगे तो जी ऑफ ए आ जाएगा, तो लिमिट भी चेंज हो गई जी ऑफ ए से जी ऑफ बी तक। अब क्या होगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते जाएंगे, हमें उसमें बार बार इनडेफिनिट के सब्स्टिट्यूशन को लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब बार बार उसके सब्स्टिट्यूशन को पुट करने की जरूरत नहीं है, हम हर बार अब लिमिट चेंज करते चलेंगे। अब हर बार क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ लिमिट चेंज कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन के साथ इनडेफिनिट में लिमिट भी चेंज कर देंगे और फिर इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, तो उससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। क्या ये बात सब लोग समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? मतलब हम सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ लिमिट भी सॉल्व करते जाएंगे, तो बार बार हमें उस सब्स्टिट्यूशन को वापस ला के रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? जैसे एग्जाम्पल देखो, मान लो हमें सॉल्व करना था 0 से 4 dx/x + √x, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखते हैं, dx/√x √x + 1, तो हम तुरंत रूट एक्स को टी मान लेते हैं, तो dx/√x = 2 dt आता है। क्या ये समझ रहे हो सब लोग? अब यहाँ पे हम तुरंत एक्स और टी में जाते हैं, जब एक्स 4 लेते तो
ये टू आ जाता, जीरो लेते जीरो आता, अब ये जीरो से टू बन जाता और ये बन जाता टू डी टी अपॉन वन प्लस टी। क्या ये बात समझे? नहीं समझे। और अब ये आंसर क्या आ जाता, टू एल एन वन प्लस टी, और सीधा लिमिट जीरो से टू रख देते, अब हमें एक्स रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या आंसर टू एल एन थ्री आ रहा है? बोलो क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे ही सब्स्टिट्यूशन रखेंगे उस सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपनी लिमिट भी चेंज कर लेंगे, तो बार बार हमें उस सब्स्टिट्यूशन को हैंडल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जीरो से पाई बाई टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन नाइन प्लस सिक्सटीन साइन टू एक्स डी एक्स, बताओ क्या करोगे? जीरो से वन रूट अंडर वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इंटू डी एक्स, क्या करोगे? मतलब सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपनी लिमिट भी चेंज कर लो, सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपनी लिमिट भी चेंज कर लो, बस ये है। और क्वेश्चन सॉल्व कर दो। ये वाली फॉर्म को समझ में आ रही है क्या है? यस सर, इसमें साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी लेट करेंगे। वेरी गुड। तो भाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो साइन टू एक्स का फॉर्मूला किसके टर्म में ओपन कर देंगे? तो वो शायद वन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर होता है, जहाँ तक मेरा दिमाग कह रहा है। सही कह रहा है क्या? अब हम तुरंत साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी ले लेंगे, तो इसका मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स जो है वो क्या बन जाएगा? डी टी। अच्छा अब लिमिट भी चेंज कर लो, तो एक्स और टी के हिसाब से, और जब एक्स को पाई बाई टू लोगे तो शायद वन आ जाएगा, और जीरो लोगे तो शायद माइनस वन आ जाएगा। चेक करिएगा क्या मैं सही लिख रहा हूँ। तो नाइन प्लस सिक्सटीन वन माइनस टी स्क्वायर, देख लो शायद ये माइनस वन से वन डी टी अपॉन क्या आ रहा है बताओ? सिक्सटीन प्लस माइनस सेवन टी स्क्वायर, हाँ या ना? देखो, अरे बोलो भाई। यस सर। या 25 आ रहा है। अब इसका तो इंटीग्रेशन यार हंसते चलते कर दोगे, वन बाई टू ए, तो एक रूट सेवन इसकी वजह से आएगा और टू ए की वजह से टेन आएगा, और एल एन ऑफ फाइव माइनस सेवन रूट सेवन टी अपॉन फाइव प्लस, या उल्टा लिख दिया, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, फाइव प्लस रूट सेवन टी अपॉन फाइव माइनस रूट सेवन टी, और इसी में लिमिट रख दो माइनस वन से वन, और सॉल्व करके आंसर दे दो। देख लो भाई कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। अरे बोलो भाई। सर ये माइनस सेवन क्या बेटा? 25 माइनस 70 स्क्वायर कैसे आया? सॉल्व करके। वाह नहीं आ रहा क्या? सर 7 कैसे होगा सर? 16 टी स्क्वायर है। एंड 7 नहीं आ रहा। ओहो मुझे भी यहाँ भी एक टी दिख रहा था, सही है माइनस 16 होगा। अब ठीक है तो, अरे कैलकुलेशन गलत हो गया, कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना। तो माइनस वन से वन क्या आएगा जरा बताना, तो आंसर बोलो। चलो आंसर तुम ही लोग बोलो ना फिर सॉल्व करके। वन बाई टेन, टेन इंटू फोर फोर्टी, एल एन मॉड फाइव प्लस फोर्टी अपॉन फाइव माइनस फोर्टी, लिमिट रख दो माइनस वन से वन, क्या आएगा आंसर बताओ? वन बाई फोर्टी एल एन नाइन, और माइनस रखोगे तो वन बाई नाइन नाइन टू,
तो आंसर शायद ln 9/20 आ रहा है, क्या चेक करो। यस सर। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना यार, हो सकता है गड़बड़ हो, बड़ा सही आंसर है मेरे हिसाब से। हाँ भाई अगला सॉल्व करो जरा, क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालो यार जल्दी से। कॉन्सेप्ट सेम है, इसमें भी डेफिनेट इंटीग्रेशन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन सोचना है, बट सब्स्टिट्यूशन उसी हिसाब से कर लेना है। क्या करना चाह रहे हो पहले ये बताओ, क्यों करना चाह रहे हो ये बताओ। 1 - x 1 + x देख के कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्या कर सकते हैं। 1 - x 1 + x देख के एक्स इंटीग्रेशन। को कॉस 2 थीटा ले लो। वेरी गुड, एक्स को कॉस 2 थीटा ले लो, या कॉस थीटा भी ले सकते हो चलेगा, चलो तुम कॉस 2 थीटा लेना चाह रहे हो तो ठीक है। फिर बताओ आगे पूरी इक्वेशन किसमें ब्रेक हो जाएगी। हाँ? थीटा पे आ जाएगी सर आखिरी। 10 थीटा बचेगा क्या, लिमिट क्या आ जाएगी जरा बताना। वन से कॉस टू, है सॉरी सर सर कुछ भी मतलब है, थीटा लो, थीटा बाई टू आराम से हैंडल हो जाता है। तो यहाँ पे शायद बचेगा 10 थीटा बाई 2, और साथ साथ में शायद साइन थीटा बचेगा क्या, माइनस का डी थीटा। और जीरो वैल्यू कहाँ पे होती है, जीरो पे पाई बाई टू पे, और ये शायद जीरो होता है। देखो कुछ ऐसा बन रहा है, इसके बाद इंटीग्रेशन चेंज कर लो, तो जीरो से पाई बाई टू, और अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसको लिख दो साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, इसको और चाहो तो लिख दो जीरो साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, कॉस थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू कैंसिल कर लो, जीरो से पाई बाई टू टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू कर लो, और सिंप्लीफाई करना चाहो तो जीरो से पाई बाई टू 1 - cos θ/2 कर लो। अब यार इससे ज़्यादा तो नहीं सिंप्लीफाई हो रहा है, क्या कहते हो। तो 2/2 π/2 और cos थीटा का इंटीग्रेशन शायद साइन थीटा आ जाएगा। अरे बोलो भाई, और इसमें लिमिट रख दो जरा कितनी, 0 से π/2, π/2 रखेंगे ख़त्म, 0 रखेंगे तो सही है। तो आंसर शायद π/2 - ½ आ रहा है, क्या चेक करूँ, तो π - 1/2 आ रहा है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, या प्लस में बन जाएगा। आंसर देखो π + 1/2 आ रहा है। सोचो अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हो और फिर करते हैं तो कितना टाइम लग जाता है, बट इनडेफिनेट लगाने। हाँ बेटा सर माइनस ही आएगा क्यों, अच्छा हाँ माइनस ही आएगा, प्लस मैंने लिख दिया ठीक है, चलो माइनस ही आएगा भाई अभी ठीक है। तो यस क्लास में अटेंटिव रहोगे तो आंसर पता चलता रहेगा, आप खुद भी सॉल्व करोगे तो पता चलेगा। देखो भाई आंसर π - 1/2 आएगा, देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ, तरीका समझे कि नहीं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन सोचा, इंटीग्रेशन को और इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन हैंडल करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, बट आप जो सब्स्टिट्यूशन आप सोच रहे हैं उसके हिसाब से चीज़ें उसी हिसाब से चेंज करनी है, और इंटीग्रेशन को उसी हिसाब से चेंज करते चले जाना है। अच्छा अब आइए एक चीज़ और शॉर्टकट में हम करते हैं, जैसे आप बाईपार्ट लगाते हैं सही है ना। तो जैसे मान लो ए से बी हमने यू इंटू वी करना है, तो हम यू ऐसे ही रखते हैं, वी को इंटीग्रेट कर देते हैं, और इसके बाद इसका इंटीग्रेशन लिख के ए से बी लिमिट रख देते हैं, फिर माइनस ए से बी लिमिट रख के यू को डिफ्रेंशिएट करते हैं सही है ना, और वी को इंटीग्रेट करते हैं, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन करके उसकी उसको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में सॉल्व करते हैं। तो इसमें तरीका सिंपल सा था, जितना पोर्शन इंटीग्रेशन का सॉल्व होता जाए उसमें लिमिट रखते जाओ और उसका आंसर निकालते जाओ, जो इंटीग्रेशन बचता जाए उसको आगे लेते जाओ। मेरी बात समझे मैं क्या समझाना चाह रहा था। जितना एक तरीका तो ये हुआ कि पहले पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो और फिर उसमें लिमिट रखो, एक तरीका ये हुआ कि ये सॉल्व हो गया इसमें लिमिट रख के इसकी वैल्यू निकाल लो,
फिर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में लगो, है ना। अब मान लो इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन लग रहा है तो वो सब्स्टिट्यूशन लगा के लिमिट चेंज कर दो, क्योंकि ये तो हम सॉल्व कर चुके हैं ना। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो उससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन कम होता जाएगा। तो जब भी आप बाई पार्ट लगाएंगे तो ये नहीं करेंगे बाई पार्ट लगा के पहले पूरा डेफिनेट इनडेफिनिट सॉल्व किया फिर लास्ट में लिमिट रखी ना। जितने पोर्शन की लिमिट आप निकालते जा रहे हैं, मतलब जितने पोर्शन का इंटीग्रेशन सॉल्व होता जा रहा है उसमें आप लिमिट रख के उसकी वैल्यू अलग निकालते जाओ, जो इंटीग्रेशन वाला पोर्शन बचता जा रहा है उसको सॉल्व करते जाओ। हो सकता है यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़े, सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से लिमिट चेंज कर लो, लिमिट चेंज कर लो और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू उसी इंटीग्रेशन लिमिट पे निकाल के रख दो। मेरी बात समझे, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, क्या मेरी बात समझे? नहीं समझे? समझ गए ना? मैं जो कहना चाह रहा था कि आप जब भी इस तरह की सिचुएशन डील करेंगे तो उसको उसी हिसाब से सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते जाएंगे और लास्ट में जो बचेगा पोर्शन उसके हिसाब से आप आंसर लिख देंगे। बस मैं ये समझा रहा था, क्लियर है? ऐसा नहीं करेंगे कि पहले आप बाईपार्ट लगा रहे हैं फिर आप आगे बढ़ रहे हैं, ये सब चीजें नहीं। डायरेक्ट आप बीच बीच जहाँ जहाँ बाईपार्ट में चीजें छोड़ते जाएंगे वहां आप उसको ब्रेक करते जाएंगे, उसके आगे बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे। क्लियर? हो सकता है कि आपको बाकी बचे हुए पोर्शन में लिमिट लगानी पड़ जाए तो वो सब आप उसी हिसाब से सिंप्लीफाई करके लगा दीजिएगा, उसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात क्लियर हो रही है? चलिए ये काम आप बाई पार्ट में जहाँ आपको जरूरत पड़ेगी वहाँ कर लीजिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल वाइज अगर आप देखना चाह रहे हो, जैसे बाई पार्ट और अभी तक मैंने जितना पढ़ाया, मतलब बाई पार्ट इंटीग्रेशन वो, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि माइनस वन से टू तक था एक्स साइन पाई एक्स का मॉड इंटू डी एक्स, इसका पीरियड टू, हाँ टू ही ले लो। माइनस वन से टू मॉड ऑफ एक्स साइन पाई एक्स, इसको सॉल्व करना है। बाई पार्ट भी इसमें लगाना है, इंटीग्रेशन भी सॉल्व करना है, सब करना है, दिमाग पूरा लगाना है। जितना अभी तक हमने पढ़ा है इसमें सब लग जाएगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है मॉड एक्स, अरे भाई पहले मॉड हटाओगे तब ना आईलेट लगा पाओगे जनाब। अब ये मॉड तो कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ निगेटिव होगा आपको पता है? ये मॉड साइन पाई एक्स है, इसका पीरियड टू हो जाएगा, तो ये कहाँ पॉजिटिव निगेटिव होगा आपको पता चल गया। साइन पाई एक्स की अगर मैं आपसे बात करूँ तो जीरो वन टू माइनस वन, ये साइन पाई एक्स का ग्राफ हो गया। तो माइनस वन से जीरो में तो ये निगेटिव होगा, एक्स भी निगेटिव होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। जीरो से वन में एक्स भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये पूरा पॉजिटिव। इसका मतलब माइनस वन से वन में तो दोनों पॉजिटिव हो गए, ये पूरा पॉजिटिव ओपन हो गया। अब जैसे ही आप वन से टू जाओगे, कहाँ से कहाँ जाओगे भाई? वन से टू, तो ये वाला निगेटिव होगा और ये वाला कैसा होगा? पॉजिटिव। तो ओवरऑल अब पूरा फंक्शन कैसा हो जाएगा? निगेटिव। लास्ट वाली चीज समझे कि नहीं ये बताओ? अरे हाँ या ना, क्या लास्ट वाली चीज समझ पाए? नहीं समझ पाए? माइनस वन से वन के बीच में साइन पाई एक्स एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव होगा, जब एक्स निगेटिव तो साइन पाई एक्स भी निगेटिव हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं? और जब एक्स पॉजिटिव तो साइन पाई एक्स भी पॉजिटिव, तो माइनस वन से वन के बीच में तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। वन से टू के बीच में साइन वाला पोर्शन निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव। बस अब तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा के सॉल्व करना है। पहला हर्डल था मॉड, मॉड हमने हटा लिया। एक बार मॉड हट गया फिर तो बाई पार्ट लगा के आराम से सॉल्व कर लेंगे ना, बोलो। यस सर, कर लेंगे। तो बताइए जरा आंसर। ये आएगा, इसमें लिमिट उठा के रख देना माइनस वन से वन, हाँ या ना, देख लो सोच लो। फिर बचेगा प्लस का माइनस वन से वन कॉस का पाई एक्स बाई टू डी एक्स, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो सेम चीज आएगी, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स बाई पाई, लिमिट रख देना वन से टू, और माइनस माइनस वन से वन, सॉरी माइनस वन, अरे वन से टू
और यहाँ पे आ जाएगा cos pi x by pi into dx, इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताते जाइए, कर लेंगे कि नहीं। वन रखोगे तो सर उधर प्लस आ जाएगा ना लास्ट वाले में, सर वन से टू वाले में cos pi x by pi dx, ये तो प्लस रहेगा ना और ये माइनस है ना, नहीं समझी? अच्छा ओके यस, इसके इंटीग्रेशन से एक माइनस आएगा एक इससे माइनस आएगा, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, जो माइनस था वो बचा रह जाएगा, आप समझे कि नहीं? चलो अब लिमिट रख के, लिमिट रखो, फाइनल आंसर बोलो क्विक, जल्दी लिमिट रखो सब जगह। अभी एक आध दो प्रॉपर्टी और पढ़ लेंगे तो ये सब माइनस ए से ए के इंटीग्रेशन को करने की भी एक टेक्निक होती है, तो वो भी निगलेक्ट मारते चले जाएंगे थोड़ा दर, बट अभी तो सॉल्व कर लो, सॉल्व करके फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा भाई। वन रखोगे तो वन बाई पाई, माइनस वन रखोगे तो क्या ये टू बाई पाई आ रहा है, चेक करियो। यस सर, यहाँ आओ, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस तो पहली चीज कॉमन करके बाहर कर दो, अब टू रखो तो शायद ये टू बाई पाई आ जाएगा, वन रखोगे तो ये थ्री बाई पाई आ जाएगा, देख लो आराम से। अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, माइनस वन से वन, वन बाई पाई बाहर कर लो, तो इसका इंटीग्रेशन शायद आ जाता है आपका साइन पाई एक्स बाई पाई स्क्वायर, लिमिट रख दो माइनस वन से वन, और साइन पाई एक्स बाई पाई स्क्वायर लिमिट रख दो वन से टू, देखो क्या आ रहा है बताओ। वन जीरो, माइनस वन जीरो, टू जीरो, ये तो ख़त्म ही हो गया पूरा आंसर, देखो फाइव बाई पाई आ रहा है, देख लो सोच लो, अरे हाँ या ना। यस सर, समझ में आया कि नहीं बताओ, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट? समझ गए? चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी नंबर फोर, दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है क्या? पहले तो ये समझ लेते हैं जल्दी से, फिर कैसे यूज करते हैं ये समझ लेते हैं। तो प्रॉपर्टी फोर ये कहती है कि अगर ए से बी एफ एक्स डी एक्स कहीं हो तो हम उसको ए से बी f of a plus b minus x into dx लिख सकते हैं। अगर हमें a से b f x dx की बात करनी हो तो हम इसको a से b f of a plus b minus x into dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? मतलब ये रिप्लेस करने से क्या होगा कि आपके इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है, ऑब्वियसली नहीं आता क्योंकि इसको आप t मानेंगे तो यही वाला इंटीग्रेशन आ जाता है। क्लियर है? अब इसके कुछ सब यूजेज होते हैं, लाइक जैसे आप कहीं पे लिखा हो जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, तो आप तुरंत इसको जीरो से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स लिख दें, कोई प्रॉब्लम। कहीं अगर माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स लिखा हो तो आप इसको तुरंत माइनस ए से ए एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख दें, कोई प्रॉब्लम। कि ए प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, a प्लस बी कितना है, जीरो, तो ये सारे रिजल्ट आप तुरंत देखते यूज कर सकते हो। क्लियर हो रहा है कि नहीं ये बताओ? अरे बोलो भाई क्या है प्रॉपर्टी, दिखी सबको? यस सर, ये प्रॉपर्टी। हाँ बेटा बोलो। लास्ट वाला रिपीट कर दीजिए सर, नेटवर्क नहीं आ रहा इसमें। a प्लस बी माइनस एक्स, तो a प्लस बी जीरो हो गया ना, तो जीरो माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, हो गया। ओके सर, आप जैसे इस पर बेस क्वेश्चन देखिए, जैसे आई आपको कैलकुलेट करना है, मान लो पाई बाई सिक्स से पाई बाई थ्री, ठीक है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तुरंत आप प्रॉपर्टी फोर सोचोगे तो यही आई क्या बनेगा, पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई थ्री, पाई बाई टू माइनस एक्स,
तो ये साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। और ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स और इंटू डी एक्स, दोनों को ऐड कर दो तो टू आई कितना आ जाएगा, पाई बाई सिक्स से पाई बाई टू। क्या ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो वन इंटू डी एक्स आ जाएगा। अरे हाँ या ना, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आंसर पाई बाई सिक्स आ जाएगा। तो क्या आई की वैल्यू पाई बाई ट्वेल्व आ रही है, नहीं समझे? यस सर, यस सर। दोनों को ऐड करके प्रॉपर्टी कैसे सोची गई, समझ में आया सबको? बोलो, अरे हाँ या ना। यस सर, आ गया। कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ, बोलिए। आराम से सिंपलीफाई कर दिया आपका आंसर, कर दिया आपका आंसर। हाँ बेटा बोलो, समझ गया ना आंसर? गुड। अब आइए जरा कुछ क्वेश्चंस निकालो। आई की वैल्यू निकालनी है, जीरो से लेके पाई बाई टू, वन अपॉन वन प्लस टेन एक्स डी एक्स पहला, फिर माइनस वन से वन डी एक्स अपॉन वन प्लस टू की पावर टेन एक्स। इसके बाद टू से थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव, सॉरी टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ट्वेंटी फाइव, टेन एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव इंटू डी एक्स। चलिए तीनों सॉल्व करिए जल्दी से। पहला वाला पहला आंसर पाई बाई फोर, सबको समझ में आ रहा होगा। गुड, सीधा वही प्रॉपर्टी लगाया, सीधा टू आई ऐड करेंगे तो जीरो से पाई बाई फोर वन इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो आई की वैल्यू, सॉरी ये पाई बाई क्या था, टू था क्या? हाँ, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाती है, पाई बाई फोर। वेरी गुड। अगला बताओ, बस वही प्रॉपर्टी लगा के सोचना, ज्यादा कुछ करना नहीं है। वन वन वन, अगला आंसर वन। वेरी गुड, अगला बताओ। ये वन सही है, ये पाई बाई फोर सही है। अगला बोलो, इसमें भी सेम वही ए प्लस बी माइनस एक्स करोगे तो टू आई इक्वल टू माइनस वन से वन डी एक्स अपॉन टू की पावर माइनस टेन एक्स आएगा। समझ गए ना, या मैं सॉल्व करूं इसको? प्रॉपर्टी फोर लगाओगे तो ये क्या बनेगा, माइनस वन से वन डी एक्स अपॉन ए प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो माइनस टेन एक्स आ जाएगा। इसी को ऐड कर दीजिए तो माइनस वन से वन टू की पावर टेन एक्स प्लस वन अपॉन टू की पावर टेन एक्स प्लस वन, वही चीज आ गई तो टू आई इक्वल टू टू आ गया, तो आई की वैल्यू वन आ गई। गुड, लास्ट वाला बोलो। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ लास्ट वाले में। लास्ट वाले में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, आ जाएगा। हिंट करूं क्या? भाई टू से थ्री है, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ अगर एक्स स्क्वायर अलग करो तो क्या ये एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर बनेगा? अब तो क्वेश्चन में फील आ गई होगी, ए प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस कर दो तो ये बन जाएगा फाइव माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये बनेगा फाइव माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ऐड कर दीजिए दोनों को उठा के तो टू आई इक्वल टू टू से थ्री इंटू डी एक्स आ रहा है क्या? तो क्या आंसर हाफ आ रहा है? बोलो,
नहीं? यस सर। यस सर। देख लीजिए भाई, ये a प्लस बी माइनस एच वाली चीज क्लिक हो रही है नहीं हो रही? नहीं हो रही तो बताओ। अगर समझ में आ रहा है तो कोई बात ही नहीं, नहीं समझ में आ रहा है तो उस हिसाब से बताइए, फिर उसको डील किया जाए। डन है भाई मामला। चलिए अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यूज होता है, जीरो से पाई बाई फोर एल एन वन प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। इसी को हम जीरो से वन एल एन वन प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू पाई बाई एट एल एन टू आती है। और ये क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज हो जाता है कई बार, ये क्वेश्चंस में कई बार डायरेक्ट यूज हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। कई बार ये रिजल्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होता है तो आपको पता होना चाहिए, सही है ना? रिजल्ट तो आप आराम से समझ रहे होंगे क्या करना होता है। भाई हम आई मान लेते हैं जीरो से पाई बाई फोर एल एन वन प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा ये चीज बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पे एक्स को अगर टेन थीटा रखोगे तो यही बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे x को क्या रख दें, टेन थीटा, तो यही बन जाएगा। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ये तो सॉल्व हो ही रहा है। अब इसमें प्रॉपर्टी फोर लगा दें तो इसको हम जीरो से पाई बाई फोर एल एन वन प्लस टेन ऑफ पाई बाई फोर माइनस एक्स बोल सकते हैं कि नहीं, ये बता दो बस मुझे, बोलो भाई। अच्छा जीरो से पाई बाई फोर करोगे तो इसको हम एल एन वन प्लस वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स बोल सकते हैं कि नहीं? यहीं पर अगर हम एलसीएम ले लें तो जीरो से पाई बाई फोर एल एन टू माइनस एल एन वन प्लस टेन एक्स आ जाएगा। इसी को अगर हम टू आई करके इधर ले आएँ तो टू आई की वैल्यू क्या पाई बाई फोर एल एन टू आ जा रही है, तो यहीं से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई एट एल एन टू। क्या ये बात समझ पाए? नहीं समझ पाए तो जहाँ इस ये यूज़ होगा वहाँ आप ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, जीरो से पाई बाई फोर के बीच में अगर लिखा है तो। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो वो मुझे बता सकते हो आप। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो आप मुझे बता सकते हो तुरंत, बोलिए भाई। हाँ या ना? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? बोलो भाई, डन है मामला? आगे बढ़ें क्या? चलिए जरा इसका आंसर बताइए। जीरो से वन एक्स वन माइनस एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स, क्या करोगे? एक ये करो, इसके बाद एक थोड़ा सा इन्वर्स में कर लो, जीरो से वन ही ले लो। चलो कॉट इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, ठीक है ना? वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स करो जरा दोनों को। पहले का वन अपॉन एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री। भाई इसमें सीधा प्रॉपर्टी फोर लगा दो तो इस इंटीग्रेशन को क्या लिख सकते हैं हम, जीरो से वन ये आ जाएगा वन माइनस एक्स और ये एक्स की पावर एन, खत्म हो गया क्वेश्चन। दो पार्ट में ब्रेक कर दो, एक्स की पावर एन अलग सॉल्व कर दो,